মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া 4 দিনব্যাপী এনএসইউ এর প্রশিক্ষণ শিবির শুক্রবার সমাপ্ত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শিবিরে অংশ নিয়েছেন। এই প্রশিক্ষণ শিবির থেকে সংগঠনের কর্মীরা সংগঠনকে শক্তিশালী করতে অনেক কিছু শিক্ষা নিয়েছেন, যা ভবিষ্যতে সংগঠনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অনুশেষ শর্মা। त्रिपुरा अगरतला में हूँ और संगठन को एनएसयूआई को लेकर के हमने कई मीटिंग्स की और हमारा 2 दिन का स्टेट लेवल का एक ट्रेनिंग कैंप भी हुआ, जिसमें पूरे स्टेट से स्टूडेंट्स ने, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमारा आगे को लेकर के क्या हमारा दशा और दिशा रहेगा उसको लेकर के हमारे डिस्कशंस भी हुए और हमने अपना आगे का रूपरेखा भी तैयार किया। तो आने वाले टाइम में एनएसयूआई पूरे प्रदेश में, प्रदेश की जो सरकार है उनकी जो छात्र विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ मजबूती से एकजुट होकर के लड़ेगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे त्रिपुरा के अंदर में कांग्रेस पार्टी की जो मजबूती है उसको लेकर के एनएसयूआई अपना पूरा योगदान देगी। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এনএসইউ এর রাজ্য সভাপতি সম্রাট রায়। ব্যুরো রিপোর্ট, সার্চ ইন্ডিয়া, টিএনএন।